आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एक महिला के ऊपर चाकू से वार करते हुए उसे घायल करने वाले आरोपियों की धरपकड़ पुलिस ने की है। उसमें चार आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते महिला के ऊपर चाकू से वार करने वाले आरोपियों को आज समान थाना पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। महिला पर चाकू से हमला करने वाले मुख्य आरोपी राहुल रॉक को जब सामान थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब मामले के सारे राज खोलते हुए आरोपी राहुल रॉक ने मामले में शामिल अपने साथियों के नाम बताए। वहीं महिला के ऊपर चाकू से वार करने का कारण बताया। बूम लाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी एक है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। इसमें एजेंट थी एक ज्योति सिंह करके, 22 वर्षीय युवती थी। वो अपने कंपनी के किसी काम से वहाँ आई थी और फिर कंपनी के बाहर आके रोड पे आके किसी अपने मित्र से बातचीत करने लगी। बातचीत होते होते अचानक उस मित्र ने अपने साथियों के साथ महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी और चाकू से कई वार किए, जिसकी वजह से महिला गंभीर रूप से बीमार घायल हो गई। उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी हालत बड़ी गंभीर बनी हुई थी और अभी भी वो स्थिति बयान देने की स्थिति में नहीं है। पूछताछ के दौरान और CCTV फुटेज दौरान कई तरह के एविडेंस इकट्ठे करने के बाद जो आरोपी थे उनमें राहुल राक्स का नाम आया, फिर उनके साथी लकी परिहार, सतीश पटेल और बालेंद्र रजक, ये इन साथियों का नाम आया। इनकी घेराबंदी की गई और कई तरह की जानकारी जुटाने के बाद इन सबको गिरफ्तार किया गया। हत्या में प्रयुक्त किया गया चाकू वो भी बरामद कर लिया गया, उसे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने राहुल सहित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी राहुल घायल महिला से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन महिला की सहमति न मिलने के कारण उसने महिला के कार्यालय पहुंचकर महिला के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को आनन फानन में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।